नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चीन, भारत, ब्रिटेन और इसी के साथ ही कोरोना वायरस से जो जो बड़ी खबरें निकल कर सामने आई हैं, ट्विटर पर घमासान हो गया है, इन सभी बातों के बारे में। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, 50,000 का टारगेट भी कंप्लीट कर दें। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दोस्तों अमेरिका में हालात जरूरत से ज़्यादा बिगड़ गई हैं क्योंकि कोरोना वायरस ने अमेरिका को बिखेर कर या फिर काट कर रख दिया है। दरअसल दोस्तों अमेरिका का रीओपन करने का जो प्लान था वो अब अमेरिका के ही उलट पड़ गया है और जो अमेरिका उन्होंने रीओपन किया है उसी का ही नतीजा है कि अब एक एक दिनों में 67,000 केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके चलते आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल अमेरिका में हो चुका है और आने वाले 1.5 से 2 सालों तक इसकी कोई आसार नहीं है कि ये कम होगा। और इसी के चलते डाल लेते हैं नज़र आखिरकार यूनाइटेड स्टेट में कोरोना वायरस के कितने केसेस आए हैं। 36,00,000 केसेस आ चुके हैं, 1,40,000 लोगों की मौतें हुई हैं, 16,00,000 लोग इससे ठीक भी हुए हैं। वहीं दोस्तों बात करें यहां पर सबसे ज़्यादा प्रभावित स्टेट की तो 4,00,000 मामलों के साथ न्यूयॉर्क टॉप पर है, कैलिफोर्निया दूसरे नंबर पर है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस अपने पीक की ओर जा रहा है। हालांकि अभी एक वक्त आया था जब अप्रैल का महीना था जब 40,000 केसेस आने लगे थे, तब ऐसा लग रहा था कि पीक है, लेकिन आज 71,000 केसेस आ रहे हैं लेकिन फिर भी अभी पीक आया नहीं है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस को अगर ढील दी गई तो ये किस हद तक बेकाबू हो सकता है। हालांकि 1,001 मौतें जरूर कम हुई हैं अमेरिका में, जो एक राहत की खबर है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है चीनी वायरस जो पूरी दुनिया में फैला है उस चीन से। दोस्तों पूरी दुनिया में चीनी वायरस फैलाकर चीन ने सोचा कि पूरी दुनिया की रफ्तार तो हम रोक ही देंगे और इसी के चलते जो दूसरे देश हैं उनके ऊपर हम कब्जा कर ही लेंगे क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छे से चलेगी क्योंकि हम कोरोना वायरस को बहुत अच्छे से काबू कर सकते हैं। और इसी के चलते अंदाजा भी अब लग रहा है कि चाइनीज़ इकोनॉमी अब दोबारा से रफ्तार पकड़ रही है। इसी के साथ ही 3.2% की रफ्तार से दुनिया में सबसे तेज़ी से अब जो कोरोना वायरस के बाद का जो काल है उसमें चाइनीज़ इकोनॉमी 3.2% की ग्रोथ से सेकेंड क्वार्टर में बढ़ी है और ये एक जब 6.8% की गिरावट चीन की इकोनॉमी में आई थी उसके बाद से ये रफ्तार देखी गई है। हालांकि दोस्तों अब जो हालात बन रहे हैं उसके अनुसार चीन के ऊपर कोई भी देश भरोसा नहीं करना चाहता क्योंकि अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस के कारण सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला देश चाइना ही बन चुका है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है अमेरिकी सैंक्शन से। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका अब सोच रहा है कि क्यों ना ट्रैवल बैन लगा दिया जाए हर उस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर पर। दरअसल दोस्तों चीन की जितनी भी नीतियां हैं वो आज परेशान करे हुए हैं। चीन लगातार दूसरे देशों पर अपनी पैंठ जमाए हुए है और दूसरे देशों में भी अपने देश के लोगों को वो काउंटर करने से बच नहीं रहा है और इसी के चलते जो अब तस्वीर सामने आ रही है वो ये तस्वीर सामने आई है कि क्यों ना बीजिंग के जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं उन सभी मेंबरों के ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया जाए और वो अमेरिका ना आ सकें। हालांकि दोस्तों बीजिंग के जो ये पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसके करीब 90 मिलियन जो हैं वो एक मेंबर हैं और इन 90 मिलियन मेंबर का आखिरकार डाटा अमेरिका कैसे जुटाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार फिर से ये बात सख्त और जोर पकड़ रही है कि चीन के लोगों को अमेरिका में एंट्री ना ही दी जाए और इस ओर ये न्यूज़ इशारा कर रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर ब्रिटेन से जुड़ी हुई है। हुवेई को बैन करने की तैयारी ब्रिटेन में पूरी हो चुकी है और ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि हम 2027 तक हुवेई के जितने भी इक्विपमेंट ब्रिटेन में लगे हैं उन सभी इक्विपमेंट को हम रिप्लेस कर देंगे। दोस्तों चीन की गवर्नमेंट अभी अपने देश में किसी भी बाहरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इस्तेमाल नहीं करती है और तो और उसने तो टारगेट रख रखा है 2022 का कि चीन के जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं और जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, फर्म हैं, ऑफिस हैं, वहां से अमेरिकी डिवाइस निकल जाने चाहिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि चीन अपने देश में सफाई कर रहा है तो आखिरकार ब्रिटेन क्यों ना करे।
और इसी के चलते हुवेई 5G को बैन कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ ही चीनी गवर्नमेंट और जो हुवेई के एग्जीक्यूटिव हैं उनका भी एक रिस्पॉन्स आया है और इसी के चलते उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हुवेई के ऊपर ब्रिटेन ने बैन लगाया है ये ग्राउंडलेस है, क्योंकि इसका एक साक्ष्य मिल नहीं रहे हैं बल्कि एक राजनीतिक गतिविधि के चलते हुवेई के ऊपर बैन लगाया गया है, जो एक बहुत ही निंदनीय कदम है। लेकिन आज चीन जो कर्म कर रहा है, अपने देश में दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को बाहर निकाल रहा है, उस ओर उसका ध्यान नहीं है। लेकिन आज हुवेई पर जो बैन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश लगा रहे हैं, वहाँ पर उसकी चीखें निकल रही हैं। हालांकि जैसा बोओगे वैसा ही खाओगे, क्योंकि जब आप ही किसी देश की कंपनी को चीन में एंटर नहीं करने देते तो आखिरकार कोई दूसरा देश आपकी कंपनियों को एंटर क्यों करने देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, ये जुड़ी हुई है भारत से। कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल भारत में भी होने लगा है। एक दिन में रिकॉर्ड 32,607 केस भी आए हैं। हालांकि भारत में जो रिकवरी रेट है वो 70% तक पहुँच चुका है। अब तक भारत में मामले 9.70 लाख तक पहुँच चुके हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण से भारत में 99 डॉक्टरों की भी मौत हो चुकी है और अभी 1302 डॉक्टर अभी इससे संक्रमित भी हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि फिलहाल जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही 24,928 लोगों ने जानें भी अपनी कोरोना वायरस से गंवा दी हैं। भारत के महाराष्ट्र में 2,75,000 के आंकड़े से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। हालांकि 1,52,000 लोग यहां पर ठीक भी हुए हैं, जो एक राहत की खबर है। और इसी के साथ ही तमिलनाडु 1,51,000 और दिल्ली 1,16,000। हालांकि दिल्ली में जरूर कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो पिछले दिनों गिरे हैं और 1,000 की गिनती में कोरोना वायरस के केसेस आए हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई केसेस की संख्या में गिनती कम हुई है तो हमने जो पीक है उसको रोक दिया है। अमेरिका के हालात आपने देखे ही हैं, दिल्ली में भी वैसा ना हो इसलिए दिल्ली सरकार को कदम अभी से उठाने चाहिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, यह खबर जुड़ी हुई है कोरोना वायरस के दुनिया पर अटैक से। ब्राज़ील के राष्ट्रपति, जो हाल ही के दिनों में अपनी रैलियों में खुलेआम घूम रहे थे, वे कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे और इसी के चलते अब उनकी दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जो एक चिंता का विषय है, क्योंकि ब्राज़ील के राष्ट्रपति अब इस वायरस से निजात नहीं पा रहे हैं जिस वायरस को उन्होंने हल्के में लिया था। हालांकि ईरान में 140 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है, डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। भारत में 99 डॉक्टरों की मौत हुई है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस किसी भी बड़े या छोटे आदमी को नहीं देखता है। फिलहाल अमेरिका में 36 लाख, ब्राज़ील में 19 लाख, भारत तीसरे नंबर पर 9,70,000 केसेस के साथ बना हुआ है। और इसी के साथ ही जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। ये तस्वीरें चिली की हैं, जहाँ पर अब केसेस हैं जो वो कम हुए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, यह खबर जुड़ी हुई है ट्विटर से। दोस्तों, ट्विटर में आज घमासान हो गया है, क्योंकि ट्विटर पर कारनामा ही कुछ ऐसा हुआ है। बिल गेट्स, जेफ बेजोस और बराक ओबामा समेत कई सेलिब्रिटी के अकाउंट हैक कर दिए गए और इस हैकिंग के बाद $1,000 के बिटकॉइन के बदले $2,000 के बिटकॉइन भेजने का झांसा दिया गया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के दावेदार जो बिडेन का अकाउंट भी हैक कर लिया गया है और उन्होंने कहा है कि आई एम गिविंग बैक टू द कम्युनिटी ऑल बिटकॉइन सेंड टू द एड्रेस बिलो, और ये लिंक दे दिया गया और इस लिंक पर क्लिक करके जिसने भी इस लिंक के थ्रू पैसे लगाए हैं उनके पैसे डूब चुके हैं। और दोस्तों, जब जब ये लोग समझ पाते कि आखिरकार ये जो बड़े बड़े लोगों ने जो ट्वीट किया है उसके पीछे एक बहुत बड़ा झांसा है, उतने में बहुत देर हो चुकी होती है। हालांकि आपको बताते हैं कि किन किन हस्तियों के अकाउंट हैक हुए हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, जो जेफ बेजोस अमेज़न, वॉरेन बफेट मशहूर निवेशक हैं, एलन मस्क CEO टेस्ला के हैं, बराक ओबामा, जो बिडन, किम कार्दशियन वेस्ट, माइक ब्लूमबर्ग और कान्या वेस्ट सिंगर जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों के अकाउंट हैक हो चुके हैं। एप्पल और उबेर के अकाउंट भी हैक हुए हैं। और इसी के साथ ही ये जो ऑफर दिया गया था कि 30 मिनट के अंदर $1,000 की वैल्यू के बिटकॉइन भेजेंगे तो हम $2,000 के लौटा देंगे, इसी के चलते जो नुकसान है वो इतना हुआ है कि $1.16 लाख की वैल्यू के बिटकॉइन वो भेज चुके हैं। वो लोग जो अपने आप को होशियार समझते हैं कि हाँ हम 1,000 के 2,000 बना लेंगे, वो अब $1.16 लाख अपने अब
इन हैकर्स को दे चुके हैं। हालांकि दोस्तों ट्विटर को अब देखना होगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन है और आखिरकार उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के अकाउंट कैसे हैक कर लिए, जिसके बाद से अब ट्विटर पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ट्विटर पर सक्रिय होना चाहिए या नहीं, क्योंकि ट्विटर पर उनके अकाउंट ही सेफ नहीं है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है चीनी ऐप के विरोध पर। अमेरिका के 24 सांसदों की ट्रंप से मांग, टिकटॉक समेत चीन के सभी ऐप फौरन हटा दिए जाएं। भारत ने हमें रास्ता दिखाया है। दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी में भी चीनी ऐप को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है और सभी अब एक ही तर्ज पर, भारत की तर्ज पर बोलने लगे हैं कि चीनी ऐप को अमेरिका में भी बैन होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका आज सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है, लेकिन फिर भी चीनी ऐप्स को अमेरिका में एंट्री दे रखी है, जिस कारण से ये विरोध बढ़ रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर हांगकांग से जुड़ी हुई है। हांगकांग के तनाव के बीच अमेरिकी प्रतिबंधों पर चीन ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है और कहा है हमारे आंतरिक मामलों में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार दखल ना दे। हांगकांग के मामले में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी के चलते नया सिक्योरिटी बिल भी लाया गया है, जिसके चलते ये विरोध अमेरिकी प्रशासन ने किया है। दोस्तों अमेरिकी प्रशासन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम हांगकांग को स्पेशल दर्जा नहीं देते हैं और अब हांगकांग जो है वो हम चाइना का ही मेनलैंड है, इसी तरह हांगकांग को ट्रीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब वहाँ पर एक कानूनी व्यवस्था ही चरमरा जाए और कानून की व्यवस्था ही एक मुख्य होती है वहाँ पर, क्योंकि अगर कानून में अगर बदलाव किए गए, ऐसे उलट पुलट किए गए, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में डर रहेगा और लोगों में डर है तो डेमोक्रेसी की हत्या है, जिस कारण से अमेरिका ने चीन की तानाशाही के जरिए हांगकांग पर सैंक्शंस लगाने का ऐलान किया है और इसी के चलते चीन ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। लेकिन चीन कितना भी जोर लगा ले, अमेरिका के सामने वो कुछ भी नहीं है। वहीं दोस्तों विराम देते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ।